नहीं है वापस क्यों नहीं जा रही, वो किनारे किनारे से चलते हैं जरा। अच्छा लगे पानी तो उधर को जा रहा है, इसे उधर को जाना चाहिए था आसानी से, है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुल्ला की बस्ती से आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ ज़िशान आपका भाई और आप देख रहे हैं ज़िशान एक्सप्लोर्स। अब आपको ज़रा दिखाते हैं बाहर का नज़ारा मुल्ला की बस्ती में। सुबह सुबह 5:30 का टाइम हो चुका है, तो देखते हैं बाहर का नज़ारा और आपको भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी नहीं नज़र आएगा, अभी बाहर हमारा एक और गेट है। ये जी हमारे टेंट के अंदर एक और स्पेस है, ये निकलते हैं यहाँ से, पहनते हैं जूती और अब खोलते हैं मेन गेट इसका। वाओ सुभान अल्लाह जी, आज की सुबह जी बड़ी मज़ेदार है। ऐसी ग्रीनरी में और ऐसे माहौल में मैंने आज से पहले अपनी कोई दिन का आगाज नहीं किया। माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा है मुल्ला की बस्ती से। तो अभी हम फ्रेश वगैरह हो गए हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं हमारा एक घोड़ा आना है, तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे अगले सफ़र पर, दिखाएंगे दुधीपत्सर लेक और एक सरप्राइज जो था वो भी वहीं पे ओपन करेंगे और आपको वो सरप्राइज भी दिखाएंगे। आज का सफ़र जी आगाज हो गया, यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर और अभी आगे जाना है हमने दुधीपत्सर लेक तक। तो वो पीछे आपको मेरे टेंट भी नज़र आ रहे होंगे और ये अगला सफ़र आगाज स्टार्ट कर दिया है। कोई टाइम हो गया तकरीबन 7 का, हमारा एक घोड़ा लेट आया है जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हैं। खैर कोई नहीं, हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। हल्की हल्की सी धूप निकली थी लेकिन फिर ख़त्म हो गई है, रात को सर्दी बहुत थी। ये है जी मुल्ला की बस्ती, इसको कहते हैं, ये गांव है यानी कि यहाँ का। और वो आगे जो बर्फ नजर आ रही है ना उसके पास है दुधीपत्सर लेक। एक दफा फिर जंगली घोड़े मैदान में और सरसब्ज मैदान खूब बड़े बड़े दूर दूर तक जिधर भी नजर मारे, ये देखे मैदान ही मैदान है। रस्ते में वाटर क्रॉसिंग काफी आ रही हैं फिर। और ये मैदान में भी देखें आप तो पानी काफी है। अच्छा यहाँ की मिट्टी ऐसी है जी, ये वो पानियाँ फेंके तो वो जज़ब नहीं होता क्योंकि वो पहले ही गीली मिट्टी है ना, तो वो ऊपर ही खड़ा रह जाता है। ये देखें वाटर क्रॉसिंग है बहुत ज्यादा है। इधर से भी कोई घोड़े बोल रहे हैं, आवाजें आ रही हैं उनकी। ये रास्ते कैसे बने हुए हैं नीचे नीचे, ये पानी ने कटा हुआ रास्ता? रस्ता ढूंढ रहे, वो बड़ी देर से आवाजें दे रहा था। ये देखे जी एक घोड़ी है, ये घोड़ी है, घोड़ा है, घोड़ी है, बच्ची है ना अभी, लेकिन उसका कोई लगा है इसके साथ, ये गली के साथ बड़ी दूर से भाग के आ रही थी। हाँ
जलानी अंदर ते बैठ जा माशाल्लाह जी देखें कैसे एक पहाड़ है और कहां कहां से पानी आ रहा है ये देखें जिधर भी आप नजर दुराएं तो पानी पानी आ रहा है सुभान अल्लाह अल्लाह की कुदरत है और मैदान चेक करें एक दरिया उधर से बह रहा है और एक मेरे ख्याल से ये भी कोई बड़ा ही पानी बन रहा होगा क्योंकि शोर है अभी आगे जाता हूं तो देखता हूं और ये करीब करीब आ रहे हैं हम लेक के बाकी ये है घोड़े पे बैठना भी इतना आसान नहीं है वो काठियां जो इनकी है ना बड़ी हार्ड है और बॉटम जो हमारी है ना पीछे से वो जख्मी हो गई हुई है ऊपर बैठ बैठ के जबरदस्त سبحان اللہ ماشاءاللہ جی بہت پیارا نظارہ ہے जबरदस्त घोड़ों में बैठ के और प्यारा लग रहा है क्योंकि ना आपका जोर लग रहा है ना पांव गीले हो रहे हैं जिधर भी देखें सरसब्ज मैदान अच्छा इधर ये कहते हैं फसल नहीं होती यानी ये फसल तो हो जाए लेकिन इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता सिर्फ दो से तीन माह ये रास्ता जगह बर्फ से क्लियर होती है फिर अगस्त के एंड में हल्की फुल्की पड़नी स्टार्ट हो जाती है फिर तो ये लोग वो जब भी मैंने आपको बस्ती दिखाई थी ना मुल्ला की बस्ती तो ये कहते हैं हम सिर्फ यहाँ पे दो तीन महीने के लिए आते हैं सीजन में बस फिर ज़्यादातर ये नीचे पारस के रहने वाले हैं फिर वहीं पे अपने घरों में चले जाते हैं माशाल्लाह जी नज़ारा चेक करें कैसे दरिया चल रहा है जबरदस्त इधर देखें सरसब्ज पहाड़ और ये देखें फूल हर तरफ और ये हम किनारे पे घोड़े जा रहे हैं हमारे फ्रिया का घोड़ा किनारे पे हो गया वो उसको कह रही है इधर करो दोस्तों आप लोग अगर इन इलाकों में आए ना तो गाइड का साथ होना जरूरी है थोड़ा सा खर्चा कर लें अब देखें ये लोग ना पहले दरिया पार करके उधर गए थे और अब वो आना इधर ही था लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता गाइड के बगैर थे तो देखें अब वो वहां पे फिर फंस चुके हैं वे और अब उन्होंने दरिया पार करके फिर इधर आना है तो गाइड का होना बहुत जरूरी है साथ नहीं तो आप रास्ता भूल जाए तो फिर लंबा ही आपको चक्कर पड़ जाता है अब वो कोई जगह तलाश करेंगे जहाँ पे पानी कम होगा तो वहां से फिर दरिया पार करके इधर आएंगे और वो भी शायद हम लोग इधर आ गए हैं तब उन्हें समझ आ गई हो नहीं तो वो शायद उधर ही चलते जाते अब जी हम एंड पे तकरीबन पहुंच चुके हैं और ये सामने दीदार होने वाला है दूधी पत्थर का जैसे ही हम ऊपर पहुंचेंगे तो आपको भी दिखाते हैं पहली झलक कैसी है लगती है इसकी मेरी माशाल्लाह दुदीपत्सर आ ही गए हम सुभान अल्लाह बहुत प्यारा नजारा है अच्छा बंद है यानी कि पहाड़ हर तरफ से बंद है ना और नहीं नहीं आगे चलते हैं क्या कह रहे हैं आगे दलदल है ये था जी हमारा सरप्राइज ये हम करेंगे दुदीपत्सर में बोटिंग
और मेरे ख्याल से ये दुधी पत्सर की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा होगा कि यहाँ पे बोटिंग कोई करेगा, तो वो शर्फ हमें हासिल होने लगा है। वो भी हम करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। नहीं जी, ये बोर तो बनी होगी तैयार, और ये है हमारे पास लाइफ जैकेट्स, सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम है। फ्रिया बैठी इंजॉय कर रही है लेक का, बहुत मज़ा आ रहा है। ये है जी हमारा सरप्राइज, और ये हम देखें आप दुधीपत्सर लेक के अंदर सेंटर में आ चुके हुए हैं, और बड़ा मज़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है। जलानी तुम्हें डर लग रहा है? नहीं लग रहा? अच्छा, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा। वो लहरे जब लग रही है ना किश्ती को, तब थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, तो लेकिन अल्लाह मालिक है, एडवेंचर कर रहे हैं। तो जलानी कह रहा है ग्लेशियर के पास जाना है, चलें इस ग्लेशियर के पास चलें। वो दूर नहीं है ज़्यादा, उधर जाना है। लो जी, जलानी कह रहा है उधर ले के चलो। जलानी ने बड़ी सामान हमारा उठा के लाया, तब हम जलानी को जिधर कह रहा है उधर लेके जाने की कोशिश करते हैं। वे ग्लेशियर के पास आ गए हैं। जलानी से मैंने पूछा तूने नीचे उतरना है, कहता नहीं नीचे नहीं उतरना। तो मैंने कहा फिर चलते हैं वापस, थोड़ी फ्रिया को भी सैर कराते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे। तो अब चलते हैं हम वापसी पे। मैंने जी कोई ये चलाई है बोट 2004 में आखिरी दफ़ा मैंने वैसे चलाई थी। उसके बाद ये जब मैंने बोट ली तो फिर जल्लो जाके हमने थोड़ी सी एक दिन ट्राई की थी, कोई 20 साल बाद। तो लेकिन वो भी थोड़ी सी चलाई थी जल्लो की झील में। आज काफ़ी चलाई है, मज़ा आया। जलानी है वापस क्यों नहीं जा रही? जलानी है वापस नहीं जा रही, अब क्या करेंगे? हैं, क्या करेंगे अब? हैं, ठहर जाए, किसका हल करते हैं। वो किनारे किनारे से चलते हैं जरा। हाँ, चल आगे। पानी तो उधर को जा रहा है, इसे उधर को जाना चाहिए था आसानी से, है ना? बोर्ड जी हमारी इधर को आसानी से आ रही थी, उधर बड़ा जोर ले रही है अब जाने को। अब जा रही है थोड़ी थोड़ी, है ना? जहाँ से बोट लेके चले थे बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचा हूँ। उधर पानी का जोर बहुत ज़्यादा था उस तरफ ना, तो खैर मज़ा आया। तो अब ज़रा निकालते हैं थोड़ा सांस, प्यास लग गई है मुझे भी। बस ठीक है, अब नहीं जाती गई। पानी भी नहीं, पानी।
बड़ा मजा आया जी ये बोट चलाने का, यकीन करें दुधीपत्सर में बोट के पैसे पूरे हो गए हैं। ये अभी ये हमारे घोड़े वाले लेके गए हुए हैं, बड़ी देर से इधर उधर ही घूमी जा रहे हैं, तो बड़ा मजा आया। वो मैं उस ग्लेशियर तक होके आया हूँ, लेकिन उधर से वापस लाना मेरे लिए भी एक दफा अजाब बन गया था कि कैसे लेके आऊं। उधर पानी का बहाव ना उधर को है, लग ऐसे लहरें इधर को है लेकिन उधर। अच्छा ये लेक में ना पानी नीचे से ही आता है, झील में से, यानी कि जमीन में से आता है और आगे जाता जा रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है, जबरदस्त, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया जी। अब वापस जा रहे हैं हम, एक नोर नजर मार लें आप भी। वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए लाहौर से? और नहीं, हम तो घोड़ों पे बैठ के आए हैं, हमारी क्या हिम्मत है। अच्छा थैंक यू, थैंक यू। वो देखें जी, वो अगर आपको दूर नज़र आते हो, वाइट कलर के टेंट हैं वो एंड पे, वो है मुल्ला की बस्ती। और देखें पहाड़ों में 6 किलोमीटर दूर आपको वो लगता ही नहीं है, लेकिन जाने में टाइम लग जाता है। मैदान देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, वापसी का व्यू भी बहुत अच्छा है। बस्ती में जी क्रिकेट मैच हो रहा है और ये लोकल खेल रहे हैं क्रिकेट, बड़ी मजे की ग्राउंड है। ऐसे मौसम में खेलने का अपने अलग ही मजा होगा। ये देखें जी पिच बनी हुई है बकायदा, वेरी गुड। अब बस ये पहाड़ के नीचे साथ ही हमारा टेंट आ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फील्डिंग हो रही है यहाँ पे? अच्छा जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ले जी, ये मुल्ला की बस्ती से हम वापस शुरू कर दिया, टाइम हो गया है तकरीबन पौने दो हो गए हैं और हम जा रहे हैं वापस बेसल की तरफ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 4 घंटे में पहुंच जाएंगे हम बेसल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारी जगह है जी, जाने को दिल नहीं कर रहा लेकिन मजबूरी है, हमारे शिकरे ने हमें तंग किया हुआ है, तो आज वो आने मलिक अब्दुस्तार उन्होंने भी दरी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं बाइक चेंज करूंगा और फिर अगला टूर स्टार्ट करेंगे। अगर बाइक चेंज नहीं होती तो फिर देखते हैं हमने क्या करना है। ये देखें जी, पानी में से कल हम पैदल गए थे इधर से, आज ये पानी में से ही हमें लेके जा रहे हैं और काफ़ी गहरा पानी है, ये कोई 2-2 फुट है ये। ठंडा है, माशाल्लाह जी, देखें कितना प्यारा वाइट कलर का घोड़ा है, जबरदस्त।
خوب پلے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ. ایسا خوفناک سین ہے جی, دیکھیں گلیشیئر کے نیچے سے دریا گزر رہا ہے. اور ہم دیکھیں کیسی ڈیلوان کے اوپر جا رہے ہیں. خطرناک سین ہے, آگے گلیشیئر آ رہا ہے. دیکھیں ذرا, چیک کریں رستہ. اور بارش بھی شروع ہو گئی ہے ناظرین. یہ دیکھیں اس کے نیچے سے بھی دریا گزر رہا ہے. یا اللہ بارش تو روک دے. فل ڈینجرس رستہ جی, دیکھیں آپ پیدل بھی اور گھوڑوں پہ بھی. گلیشیئر اوپر جانا ہے اور پھر اس کے بعد ایک جگہ ہے وہاں پہ رکے تو رین کوٹ پہنتے ہیں. اوہ اوہ پھر تیز ہو رہی ہے. او یا اللہ روک دے بارش. ہم پہنچ گئے جی دوبارہ بیسل, اور اب یہ لفٹ سے پار جائیں گے. بڑا ہی تھکا دینے والا سفر تھا. گھوڑوں پہ بھی نا بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, اور 3 گھنٹے لگے ہمیں واپس آنے میں, اور لیکن بڑی تھکا دینے والا کام تھا. خیر چلیں اب دیکھتے ہیں بیسل پہنچ رہے ہیں یہاں پہ. وہ ہمارے ملک صاحب کو اب تک رابطہ رکتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے یہاں پہ نیٹ چلتا ہے, باقی تو اور کچھ نہیں چلتا. تو وہ نیٹ کا کارڈ لے کے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے. بیسل پہنچ گئے تھے جی, اور آج ہم نے اپنا ٹینٹ پھر کھولا نہیں, تھکے ہوئے تھے تو پھر لگاتے, پھر صبح اٹھ کے جانا تھا تو وہ ہم نے پھر یہیں پہ ٹینٹ لے لیا جہاں پہ ہم نے وہ لاسٹ ٹائم یہاں ہی پہ لگایا تھا. یہ ہماری بائک کھڑی ہوئی تھی یہیں پہ. تو آج کوکنگ کر رہے ہیں, یہ چکن بنا رہے ہیں, ابھی بنتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں. تو صبح انشاءاللہ وہ ملک صاحب آ رہے ہیں, وہ پہنچ چکے ہیں, مظفر آباد کراس کر لیا ہوا انہوں نے. تو کہہ رہے تھے رات کو شاید نران رک جائیں, نہیں تو صبح, یا شاید آ بھی جائیں, نہیں تو صبح تو پکا آئیں گے نا. تو پھر شکرا ان کو پکڑائیں گے اور ان کی بائک خود پکڑیں گے اور پھر اگلی جرنی سٹارٹ کریں گے. یہ چکن کرائیے, سیلڈ, روٹی اور بوتل اب ہم کھاتے ہیں تاکہ ٹھنڈا نہ ہو.